All right, G, once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Achha, Janab, I've got two of my friends here, Salim Malik Saab and the legendary Abdul Rauf Saab. I don't know, we were talking about Jannat. Hum jinon ki baat kar rahe the. Meri mulaqat hone ja rahi hai kuch Jannat se. Haan ji, wo to aapke saath hi hote hain. आप लेके चलते हो ये जिन के बच्चे के बारे में भूमा बैठ के ना सोच रहा होगा सबको खिला लिया मुझे नहीं खिलाया आज भी मेरा नंबर नहीं आया मैंने कहा मैंने कितनी मेहनत की थी आज बांग्लादेश में खिला दो अच्छा बात सुने वो देखे ना कैप्टन ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं भूमा नहीं खेल रहा साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो लतीफा सुना था तेरी बारी नहीं आनी बस वैसे वो कुछ कह रहे थे सुने तो सही बताई वो न्यूजीलैंड के कैप्टन क्या था विलियमसन हाँ वो भी नहीं खेल रहे विल यंग अच्छा परफॉर्म कर रहे न्यूजीलैंड जीत रहा है बूमा नहीं खेल रहे हैंड्रिक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे साउथ अफ्रीका जीत रहा हाँ जी तो मेरा ख्याल है मैं भी थोड़ा सा तजर्बा करना चाहिए बाबर इज प्लेइंग गुड दो बाबर इज प्लेइंग गुड अच्छा लेकिन जीत नहीं रहे ना थोड़ा सा कोई कुछ चेंज आनी चाहिए मैं आपको एक बात टीम में तो कर नहीं रहे फर्ज कीजिए नो आपने बाबर को एक मैच में हटा दिया 100 के भी नहीं को ऐसा ना हो के मतलब सो बाबर हैज टू बी देयर नो कमेंट अच्छा ये सब मजाक की बातें प्लीज इसको कुछ ऐसा सीरियस मत लीजिएगा हम जन्नत की बातें करते करते पता नहीं कहाँ निकल गए आपको हम लाइव दिखाएंगे अगर जिनसे मुलाकात होती है आप असल में आप देवानंद की फिल्में बहुत देखते हैं वो भी गाना गाते करते हैं मुझे एक बात का यकीन होता चला जा रहा है आप ना आग को गौर से देखा करें आपकी कोई ना आपने मेरे दिलों में दोस्ती निकलने वाली है मैं आपको बता रहा हूँ मतलब यार मैं आया हूँ तो मुझे ना मुझे एक लाइन पे लगा दिया बोले आपका 9:30 बजे इंतजार कर रहे हैं मैं उस बंदे को कह रहा हूँ कि यार रवि मैंने तुझे फोन किया था तू सलीम भाई को नहीं बताया मैं देवानंद साहब की कोई फिल्म नहीं देखता वो भी हीरोइन से आगे चले जाते थे ना अभी दूसरी तरफ निकल के क्रिकेट से नहीं दैट वाज राजेश खन्ना नहीं वो भी ऐसे ही देवानंद साहब तो हाँ वो कभी गए नहीं वो तो हीरोइन के पास ही होते वो कभी निकले नहीं वहां से राजेश खन्ना और मोहम्मद अली साहब वो टू हीरोज जो आज मैच हुआ है जी मैच हुआ है किसका 149 रन से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया है और जैसे हम पहले कह रहे थे कि नाउ साउथ अफ्रीका स्टैंडिंग ऑन नंबर टू दूसरे नंबर पे आ गई है 2.3737 का इनका रन रेट दैट्स अमेजिंग दैट इज ब्यूटीफुल लेकिन आपकी बात बिल्कुल सच है इंडिया ने चूंकि 5 मैचेस जीते हैं इसलिए रन रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता आज की बैटिंग रिकॉर्ड की बैटिंग थी सर क्या कहेंगे 174 रन तीसरा 100 कर दिया उसने यार क्या प्लेयर है देखें इस टूर्नामेंट में इससे खूबसूरत इनिंग्स मेरे ख्याल देखने को नहीं मिलेंगी अब मैंने आपको मैच स्टार्ट होने से पहले ना थोड़ा सा हम हंस रहे थे मैंने कहा था ये 350 करेंगे हाँ. तो आज मेरे ख्याल वो कुछ ज्यादा ही उन्होंने सुन लिया कुछ ज्यादा ही 30 रन ज्यादा कर गए हाँ, वाकई मतलब नहीं मगर एक चीज आप देखो कि उनके 2 आउट होने के बावजूद उन्होंने हाँ. कितना अच्छा मतलब प्लान से एक एक दो दो करने के बाद ऐसा पिकअप किया यार वो क्या खेलते हैं यार खुदाई कसम थोड़ी सी लूज बॉल मिलती नहीं और बाहर क्लासिन यार उसी की बात करें 49 और ये इसने जो आप उस दिन भी बता रहे थे कि इसने 85 बॉल में 170 किया था हालांकि मैंने इसको इतना नहीं देखा हुआ था मगर क्या प्लेयर है यार दोनों इनके ऊपर के 5 के 5 प्लेयर आप अगर देख लें अभी तो मेरा दोस्त खेले नहीं आया था उसकी जेनसन की बारी वो भी ऑलराउंडर आने दिनों में अच्छा होगा मगर क्या खेले हैं ये बात इससे ज्यादा मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है वो हम ब्रेक में बताऊंगा मैं आपको अभी ने कहा ना ऊपर के 5 खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं तो मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है बट ब्रेक के बाद बताऊंगा सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इनिंग्स ऑफ साउथ अफ्रीका देखिए आउटस्टैंडिंग इनिंग और सबसे जो इनकी बेस्ट है कि इंग्लैंड के खिलाफ भी इनकी अर्ली पहले ओवर में आउट हो गए थे डिकॉक मगर उसके बाद बहुत ही अच्छा इन्होंने पार्टनरशिप डेवलप की और बड़ा टारगेट सेट किया अभी इस मैच में भी इनके 2 अर्ली बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे मगर उसके बाद मार्करम और डिकॉक ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली तो और जो टीम फॉर्म में होती है जिनके बैट्समैन ऊपर वाले फॉर्म में होते हैं वो इसी तरह कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि कोई एक आउट हो गया या 2 आउट हो गया वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और फिर उसको एक लंबा टारगेट सेट कर देते हैं
उसके बाद क्लासन ने जिस तरह 49 बॉल पर 90 रन की इनिंग, लास्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी सेंचुरी थी वो आउटस्टैंडिंग थी, तो इंतहाई शानदार फॉर्म में। और दूसरा फिर जो एडवांटेज इन्होंने लिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, और उसके बाद ऑब्वियसली इस तरह हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेशी बैट्समैन के लिए जो इनके तीन बॉलर्स हैं उनको खेलना बहुत मुश्किल होता है अंडर लाइट्स में, जिस तरह रबाडा हैं और उसके बाद इन्होंने जॉनसन है बहुत आउटस्टैंडिंग। अब दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी बॉलिंग में, इनका जो बेंच है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं रिप्लेसमेंट प्लान की बात कर रहा था पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के हवाले से, देखेंगे इन्होंने आज जो इनका मेजर फास्ट बॉलर है नगीडी उसको रेस्ट दिया इन्होंने, और उसकी जगह विलियम को खिलाया इन्होंने, विलियमसन को, उसने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। मसलन इनके पास हर प्लेयर का मुतबादल है, इनके कैप्टन बोमा नहीं खेले, हैंड्रिक्स ने आके 84 कर दिया, इनके आज वो नहीं खेले क्या इनका नाम है नगीडी नहीं खेले, तो उनकी जगह जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने आके परफॉर्म किया। फिर अगर इनके जो महाराज मेन स्पिन बॉलर हैं वो अगर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा तो तबरेज शमसी बाहर बैठे हुए हैं, मसलन के एक पूरा वर्कआउट करके पूरा प्लान करके ये वर्ल्ड कप के लिए आए हैं और इनकी तैयारी भी इंतहाई शानदार है। ऑलराइट, लुक एट द स्कोर कार्ड, उसको आप जरा अगर लगाएं तो हम उसको देखते हैं। हमारा जो स्कोर कार्ड है, मैं आई विल मेंशन डिकॉक 140 बॉल्स का सामना किया, 174 रन डिकॉक ने बनाए, 49 बॉलों का सामना किया क्लासिन ने, 90 रन क्लासिन ने बनाए, माकरम जो उनके कप्तान हैं 69 बॉलों का सामना किया, 60 रन बनाए, मिलर ने 15 बॉलों में 34 रन नॉट आउट बनाए। बॉलिंग फिगर्स में हसन 67 रन देकर 2 विकेटें, मिराज 44 रन देकर 1 विकेट, शकीब 69 रन देकर 1 विकेट। बैटिंग, अगर हम बैटिंग की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश के मोहम्मदुल्ला ने कमाल खेला, 111 बॉल्स। बिफोर वी रन थ्रू द स्कोर कार्ड, आई वांट टू आस्क यू सर, आपको क्या लगता है मोहम्मदुल्ला की इनिंग्स कैसी थी? देखिए, मैं इसको मैंने नहीं देखा हुआ था, मगर आपको याद है मोहम्मदुल्ला की पहले मैच के बाद मेरे ख्याल रऊफ ने बड़ी तारीफ की थी, हाँ, कि ये थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको क्यों नहीं खिला रहे ऊपर, और आज भी मेरे ख्याल वो नीचे ही उसको इन्होंने भेजा छठे नंबर पे, उससे पहले सातवें नंबर पे भेजा। और ये उस वक्त मैंने तो उसको नहीं देखा हुआ था, मगर उस दिन भी वो बड़ा अच्छा खेला। ये जितने थ्रू आउट जितने मैचेस भी हुए, इसने मोहम्मदुल्ला ने ये दिखाया है कि ये प्रॉपर बैट्समैन है, और ये मेरे ख्याल कैप्टन भी रहा था, कैप्टन भी रहा, और ये इनकी टीम में भी मुझे लग रहा है कुछ है ऐसी चीज़ें जो आपस में इनके शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, कि एक मेन बैट्समैन जो इतना अच्छा खेल रहा है उसको ये नीचे क्यों भिजवा रहे हैं। देखें ना, इसने थ्रू आउट टूर्नामेंट में 5 मैचों में इसके अच्छे स्कोर थे, तो ये उसकी जो उसने आज शॉटें खेली हैं। सलीम भाई, स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटजी प्लान भी सामने रखें ना, तो इतना शानदार बैट्समैन जो टेक्निक वाइज सबसे बेस्ट हो, इन फॉर्म हो, अगर आपने मैच जीतना तो आपने डेफिनेट उसको नंबर 3 या 4 पे लाना पड़ेगा आपको। ऊपर स्ट्रेटजी भी अगर आपकी हो तो 6-7 पे तो मेरा ख्याल है फिट नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ बगैर किसी, उसके हमने सुबह भी बात की थी, लेकिन फिर आज जब मैं रेडियो पे था तो एक कॉल आई थी, और उसके अंदर बात ये भी थी कि ड्रेसिंग रूम के अंदर हमारे यहाँ भी कुछ टेंशन पाई जा रही है, और ये अब खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, डू यू थिंक इट्स ट्रू? सर भाई, मुझे नहीं पता, हम देखें ना, वो जिस बंदे ने भी आपको कॉल की थी, आई डोंट नो उसको कहाँ से खबर मिली, मगर एक चीज़ तो है ना कि जब आप हारते हैं तो टेंशन तो होती है, टेंशन क्रिएट होती है, और ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल नहीं होता, क्योंकि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती वो क्रिटिसिज्म किया जा रहा होता है, आप सामने नहीं करते मगर कॉर्नर्स में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि यार हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। मगर उसके लिए फिर जो सबसे बड़ा रोल होता है ना वो कैप्टन का और कोचेज़ का होता है, जो टीम को ना ऐसी सिचुएशन में जाने ही ना दें, वो उनको बैठ के उनका मोराल हाई करें कि यार देखो गेम का हिस्सा था, दिन गुजर गया, जो हमने अच्छा नहीं हुआ इसमें कोई शक नहीं कि हम अच्छा नहीं खेले, बिल्कुल सही, मगर उस टीम को दोबारा उनका मोराल हाई करना ये कोचेज़ और कप्तान का काम होता है, या एक दो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, कि वो ऐसी चीज़ आनी ना दें ड्रेसिंग रूम में। ओके, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त पॉजिटिव बातें करें और अच्छी जो इनिंग्स खेली हैं उनके बारे में सोचें और उनको उठाने की कोशिश करें। अच्छा, सो हियर इज द थिंग, आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ रियलिस्टिकली, हमें एनालिसिस करना और बहुत रियलिस्टिक होकर बोलना है हमने, मुझे ये बताइए व्हाट आर द चांसेस ऑफ पाकिस्तान क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स? यार टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतने कोई ब्राइट चांसेस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमने जो वीक टीम थी उनसे हम मैच हार चुके हैं, आने वाली जो टीमें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम, अदर देन बांग्लादेश आई थिंक एवरीवन स्ट्रॉन्ग,
अब देखें ना, जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे तो मुझे बांग्लादेश से भी डर लगता है कि हम स्ट्रगल करेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मगर क्रिकेट है, इसमें कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है हमारी टीम अगले मैच में अच्छा करे और कॉन्फिडेंस। देखिए, अगले मैच में तो आपको अच्छा करना ही है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपके पास कोई और एस्केप नहीं है। यू आर देयर, यू नीड टू प्ले, यू नीड टू बीट साउथ अफ्रीका ऑन द 27th। अगर आपने 27 को साउथ अफ्रीका को बीट नहीं किया तो यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, नो मैटर हाउ गुड यू प्ले। देखिए, उनको हराने के लिए आपको स्ट्रांग माइंड चाहिए और स्ट्रांग बॉलिंग लाइन चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है निस्बतन बहुत वीक है। कितने अरसे से हम अपनी फास्ट बॉलिंग जो है, हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग रहा और उसी पे बिलीव करते थे। हम थोड़ा स्कोर भी करते थे मगर हमारी बॉलिंग लाइन हमें डिफेंड करती रही, हमें मैचेस जितवाती रही। मगर आज पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में, या इससे पहले जो एशिया कप हुआ, जब पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें हमें पहली दफ़ा फील हुआ कि पाकिस्तान का ये जो शोबा है बॉलिंग का बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। क्यों? उसकी वजह यह नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट हमारे पास बेताशा टैलेंट है। पाकिस्तान तो हमेशा से फर्टाइल रहा है कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से, मगर उनको यूटिलाइज़ प्रॉपर नहीं किया जा रहा। हमारे पास बेंच है एक बड़ा 15-20 बॉलर्स का, मगर हमने सब ज़ाया कर दिए। हमने जो T20 फॉर्मेट का था उसको टेस्ट में डाला, जो टेस्ट वाला था उसको वनडे में डाला, वनडे वाले को T20 में डाला, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पास अब 3 बॉलर नहीं पूरे हो रहे। सर देखिए, ये तो बात मैं आपकी मानता हूँ कि बॉलिंग एक सिचुएशन तो वहाँ तो क्रिएट हुई भी है, लेकिन सर बैटिंग में भी मैं आपको बताऊँ कि अगर बाबर कोलैप्स कर जाता है तो यू हैव नोबडी। आई एम रियली सॉरी, अभी आप बाबर पे ही रिलाय करते हैं। अब्दुल्ला शफीक आपको मिला है, पर इट्स टू अर्ली टू सून टू से एनीथिंग। अब्दुल्ला शफीक भी अगर आप देखें तो आपको कहाँ से मिला? टेस्ट क्रिकेट से। आपने तो उसको खिलाया नहीं पहला क्या हुआ था? जी बिल्कुल, आपने आपका फेलियर हुआ ओपनर का तो आपने चांस लिया, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट में। सहर भाई, मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी टेक्निक अच्छी होगी वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। आप मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका की टीम में कौन सा प्लेयर आपको नजर आया जिसने गंदी शॉट खेली हो, जो क्रिकेट की शॉट ना खेली हो, बैट बॉल को वो हिट मार रहे हैं या अगली बॉल मिलती है वो उठा के बाहर फेंकते हैं, या शॉर्ट पिच बॉल को वो ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं? सिंगल्स एंड डबल्स। हम लोग अगर रिजवान देखें, स्कोर कर रहा है बहुत, सबसे अच्छी उसकी स्वीप शॉट है। पिछले मैच में वो पाँव में उसने बॉल फेंका हुआ था, ऑफ स्टंप से बाहर टर्न हो रहा था, उसको कभी ज़िंदगी में स्वीप शॉट नहीं लग सकती। तो हमारी सिलेक्शन जो है ना शॉट खेलने की, वो अच्छी नहीं है। हम देखें आज की इनिंग देखें, उन्होंने कोई बैट सिलेक्शन पे शॉट नहीं खेले, उन्होंने जो उनको मिला है उसको शॉट खेला। आप कल की इनिंग्स देखें, गुरबाज की इनिंग्स देखें, इब्राहिम की इनिंग्स देखें, कल उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको मेरिट पे ट्रीट किया है। अगर बॉल बुरी मिली है तो उसको खेला है, अगर बॉल अच्छी थी तो उसको आराम से रोका है, प्लेस किया है सिंगल्स और डबल्स के लिए, इस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को स्ट्रॉन्ग किया है। देखिए साहिर भाई, इन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये वनडे के बॉलर्स नहीं है, इन्होंने उनको मौका दिया। देखिए, जब आप लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं या वनडे खेलते हैं ना, तो आपको विकेट खरीदने के लिए जाना पड़ता है, आपको चांसेस लेने पड़ते हैं, आपको बॉल को आगे पिच करना पड़ता है। जब आप बॉल एयर में डालेंगे तो बॉल स्विंग होगा, जब आप पीछे चले जाएंगे शॉर्ट ऑफ लेंथ पे तो आप अर्ली ऑन डिफेंस पे चले जाएंगे, इससे जो बैट्समैन होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो आपको मैच जितवाए। तो ये प्रॉब्लम हमारे जो बॉलर्स हैं वो पहले ही डिफेंस पे गए हुए हैं। अपना अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? 5-4 चौके जो लगे हैं एक ही पेस पे पीछे बॉल हम करते रहे। जो रौफ बात कर रहे हैं ना, देखें नया बॉल, चूंकि खुद फास्ट बॉलर है, उसको पता है कि जब नया बॉल जो आप भी करेंगे मैं भी करूंगा ना, थोड़ा बहुत स्विंग जरूर होएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसने होना ही होना है। तो उसको अगर आप यूज आगे करके, जो रॉफ कहना चाह रहे हैं ना कि आगे बॉल। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अगर आपने स्मार्टफोन आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, जाना है www.sparks.pk पे, और वहां जाकर आप मोबाइल फोन ले सकते हैं, स्मार्टफोन ले सकते हैं, इट इज रियली रियली एट एन अनबिलीवेबल प्राइस। एक्सेसरीज आप जाके बाय कर सकते हैं, और साथ साथ आप एंटर हो सकते हैं ग्रैंड प्राइस के लिए जो वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन दिया जा रहा है। तो अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए और स्मार्टफोन चाहिए, देन गो एंड विजिट www.sparks.pk। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग एंड द बैटिंग। तो सर आज क्या कहते हैं आप, बैटिंग जो थी वो किसकी अच्छी थी? आप हमें फील्डिंग सिखा देंगे इसके टूर्नामेंट के बाद हम अच्छे फील्डर हो जाएंगे। 50-50 कैच पकड़, जो काम हमारे कोच को करना चाहिए वो आप हमें करवा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है हम तीनों को मौका मिल जाए खेलने का, यू नो स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा आपको। डन,
स्पॉन्सर मिल गया, लीग तो खेल सकते हैं लोग, स्पॉन्सर मिल गया, स्पॉन्सर अच्छा होना चाहिए, कोई भी खेल सकता है। 24 हम अपनी टीम बना लेते हैं, यू आर द कैप्टन, नहीं हमारे पास बॉलर भी हैं, मैं भी कोई थोड़ा बहुत ऑलराउंडर भी, हाँ मैं कर तो लेता हूँ, बॉलिंग भी कर लेता हूँ, हमारे पास मोशन स्पीड भी है, देयर यू गो, दैट्स इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वी कैन डू इट, लेट्स मेक अ टीम ऑफ 24, यू नो चैनल 24 की बनाने टीम, इट बी रियली गुड। अच्छा अच्छा मुझे बताइए आज हुआ क्या, आज बांग्लादेश के साथ एकदम से उनकी बैटिंग लाइन क्यों इतनी फ्लॉप हो गई? देखिए जब टोटल इतना बड़ा लगा हो फटे पे तो फिर मेरा ख्याल कोई भी टीम हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको 8 की रन्स की एवरेज से पहले बॉल से जाना होता है, तो वो पैनिक, वो फिर वैसे भी उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग थी, वीक टीम थी, और सर लेकिन जहाँ वो बॉल कर रहे थे कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियाँ तो की होंगी, तो बांग्लादेशी बैट्समैन को कहाँ पर रह के खेलना चाहिए था? देखें बाकी टीमों में और जो साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया या इंग्लैंड के इवन प्लेयर, वो शॉर्ट पिच देखें, हमारा क्या हो रहा है कि हमारा बड़ा टोटल स्टार्ट में नहीं लग रहा, हाँ। हम क्या कर रहे हैं कि लेग स्पिनर को देखें, मैं आपको बताता हूँ कि उनकी वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिलती है ना, आज क्लासन को अगर देख लें या डीकॉक को देखें, डीकॉक जो है ना वो उसको टांग पे बॉल नजर आती नहीं, आप समझे ग्राउंड से बाहर, हाँ। उसका ऑटोमेटिक उसने यूं पूरी शॉट खेलनी होती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत सारी टीमें जो वीक टीमें जिनको हम कहते हैं उनमें आजकल तो हमारी टीम भी आ रही है, कि जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिलती है ना तो हम नीचे मिड विकेट मारने जा रहे हैं, हमारे कैप्टन 2 दफ़ा आउट हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर इधर आउट हो रहे हैं। कंपेयर करें अगर साउथ अफ्रीका टीम को, उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ा सा बॉल मिलता नहीं और वो ऐसी जाती है बाहर बॉल, बिल्कुल बाहर, इवन वो सीधा मार रहे हैं, शायद उनकी फिजीक थोड़ी स्ट्रॉन्ग है हमसे, क्योंकि मैं सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो हमारे हेड कोच कह रहे थे पाकिस्तान टीम के, रहे वो कह रहे हैं कि जो इमामुल हक है वो इसलिए शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कमज़ोर है कि उसका जो नीचे वाला बाजू है वो सही काम नहीं करता, नीचे वाला बाजू कमजोर है उसका, एग्जैक्टली यही वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और पाकिस्तान के हेड बैटिंग कोच भी रहे हैं मेरा ख्याल। अच्छा एक टेलीफोन कॉल लेते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अहमद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अहमद कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक ठाक। अहमद क्या कहेंगे आप जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, मैं उससे जरा कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ हार्श वर्ड्स हैं लेकिन रियलिटी है मेरे अकॉर्डिंगली। एक तो ये कि हम लोगों की एक जो डिबेट चलती है हमारे मुल्क में फैन फॉलोइंग है बाबर की, तो वो कहते हैं जी कोहली से कंपेयर करते हैं, तो इन क्रिकेटिंग टर्म्स मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ये फैसला कर लेना चाहिए कि बाबर को कोहली से आइंदा कभी कंपेयर ना करें। ये एक तो कंपैरिजन नहीं है, और दूसरा ये कि ये क्रिकेटिंग नहीं, अगर उसमें सेंस में देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट गुनाह है कि आप बाबर को कोहली के साथ कंपेयर करें, क्योंकि कोहली के स्टार्ट से अगर आप देख लें वो मैचेस खत्म करके आता है, 183 किया था उसने पाकिस्तान के लिए 2012 में, 2008 में इसका कैरियर स्टार्ट हुआ था, वो तब से लेके आज तक जिस मैच में खड़ा उसने हाथ मिला के वापस आता है। बाबर का क्या है, जब खड़ा जब जरूरत होती है आता है अपनी 40 की 50 की, उसके बाद आउट होके गंदी बॉल से, इसमें बाबर तो एक वॉकिंग विकेट बन गई है कि कोई भी बॉलर आता है इसको आउट करके चला जाता है, ये कैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है एक तो पहली बात यह। दूसरा ये कि शाहीन की बॉलिंग जो है, ये हमने जब एशिया कप में जा रहे थे लोग, हमने ये हवा बनाया हुआ था कि बेस्ट बॉलिंग लाइन आप है, बेस्ट बॉलिंग लाइन आप है, कि कौन सा बेस्ट बॉलर है जिसकी लाइन ही सेट नहीं है, मतलब वो आप उसकी अगर लाइन देखें ना, वो इसने पूरे एशिया कप में बॉलिंग कर ली, पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर ली, उसकी लाइन ही सेट नहीं हो रही, वो या पैड से लेग साइड पर बॉल कर रहा है, लेग स्टंप पे बॉल कर रहा है, वहाँ से फ्लिक पे चौके खा रहा है, या ऑफ साइड पे उसकी बॉल वाइड बॉल्स कर रहा है और वो ड्राइविंग खा रहा है, कट खा रहा है, चौके खा रहा है, हारिस रॉक का भी वही हाल है, मतलब इन लोगों की क्या ही, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, इतनी बुरी बॉलिंग, इतना बुरा बॉलिंग अटैक। दूसरी एक जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि जी ये 45 लाख रुपए बाबर साहब लेते हैं पर मंथ, चाहे इन साहब 45 लाख रुपए पर मंथ लेते हैं जो इनकी फिक्स सैलरीज है, रिजवान साहब 45 लाख लेते हैं, ये इतनी इतने पैसे हैं जो शायद एक आम पाकिस्तानी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, इसके अलावा इनकी मैच फीस 6-7 लाख अलग होती है एक दिन की, इस तरह आप लोग पैसे कमा रहे हो, शादाब खान साहब 30 लाख लेते हैं, इमामुल हक साहब 30 लाख लेते हैं पर मंथ, ये मोहम्मद नवाज साहब 30 लाख लेते हैं, किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, अगर आपने इनकी डिडक्शन होनी चाहिए,
क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने चाहिए, ठीक है, और इनको इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए हमें। स्ट्राइक रेट तो अगर देख लें हमारी टीम का, ये सलीम मलिक साहब आपके साथ बैठे हैं, ये जो 90s में जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे ना हमारे ऊपर के पांच बैट्समैन, आज भी उस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। सलीम मलिक साहब का आई थिंक 77 स्ट्राइक रेट है ODIs में, वो 90s में उस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। सईद अनवर का 80s में स्ट्राइक रेट है, और हमारे बाबर इमाम फखर, ये फखर तो चलने तेज खेलता है, बाबर इमाम और ये सारे अब्दुल्ला सिद्दीक, ये क्या स्ट्राइक रेट है। फिर अगर आप कोचिंग में आ जाए, ऑनलाइन डायरेक्टर कोच बनाया हुआ आपने, मतलब कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि जी आपका कोच जो है ऑनलाइन होगा, वो क्या रूम मीटिंग से आपको कोचिंग देगा। खत्म हो गए हमारे मुल्क में कोचेज, अगर आपने फॉरेन कोचेज भी इम्पोर्ट करने हैं एटलीस्ट आप लोग वो तो ला के लगाएं जिनकी कोई अपनी परफॉर्मेंसेज हैं या जिन्होंने कुछ किया हुआ है। मतलब आपकी ये ग्रांट ब्रेडमैन को कोच है, ये कौन है? मॉर्ने मॉर्गल को आपने कोच बनाया हुआ, बॉलिंग कोच, खत्म हो गए हमारी, हमने सारी जिंदगी बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, या बाकी भी दुनिया में अगर आपने इम्पोर्ट ही करने हैं कोचेज तो अच्छे कोचेज नहीं है ये, कब ये जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में? अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाएंगे तो ये तो यही हाल रहेगा। और एट द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी, मेरी तो दुआ है कि ये आखिरी जितने चार मैच रह गए ना ये सारे हारें, ये ऐसा ना हो कि ये दो बीच में जीत के आ जाएं, ठीक है, और जो है इनको फेस सेविंग कुछ मिल जाए, ये सारे हारें, सबसे पहले ये आए और इनको इससे पूरी टीम रीशफल हो, ये बाबर से कैप्टनसी लेना सबसे पहले। तो इतना डिफेंसिव कैप्टन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो कोई नहीं आया, मैं 90s से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने इतना डिफेंसिव कैप्टन नहीं देखा। फ्लिप नहीं लेता एक बंदा, ये कैसा कैप्टन है कि फास्ट बॉलर लगाता है और फ्लिप नहीं लेता। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखें थोड़ी सी कॉल जरा लंबी हो गई थी, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, जो आपने बातें कही हैं ये आपका ख्याल है, एंड आई एग्री विद इट। आई डोंट एग्री विद द पार्ट के ये सारे मैचेस हार जाएं, ये बिल्कुल मुझे जाहिर है एज अ पाकिस्तानी, और ये आपका भी आई थिंक अंदर से आपको बहुत तकलीफ है जिसकी वजह से आपने ये बात की है। सबसे बड़ी बात ये डोमेस्टिक क्रिकेट में पता नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट से लोग क्यों नहीं होके आते, प्लस हमारी डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म हो गई, दैट्स द वर्स्ट पार्ट, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। तो हमने तो डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा जो है वो खुद बर्बाद करके रख दिया, लेकिन आपकी कॉल बहुत अच्छी थी एंड ऑनेस्टली रियली इंप्रेसिव। ये मलिक स्पोर्ट्स का जो बैट है ये हम आपको देने जा रहे हैं, साइन बाय द टू लेजेंड्स हेयर, और ये हम आपको, आप अपना नंबर आप और अपना पता जो है वो छोड़ दीजिएगा, ये हम आपको देने जा रहे हैं। हर कॉलर जो हमको कॉल करेगा उसको हम ये बैट जो है वो देने जा रहे हैं अब मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑनेस्टली इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉल, और आपकी बहुत सारी बातों से वी ऑल अग्री। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए उन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ था और जो जो उन्होंने बातें की उनका एक एक वर्ड बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। और देखें कि जो प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया मैं इससे अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि देखें किसी प्लेयर ने ये नहीं कहा कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, किसी ने नहीं कहा कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन करें, यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी हाई ऑफिशियल है, उसकी मैनेजमेंट है जो ये फैसले करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट वाला ख़त्म हुआ उसमें 7 या 8 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान से एक मैच नहीं खेले, पूरा साल बाहर बैठे रहे और वो इतनी बड़ी हैवी सैलरीज वो लेते रहे। बट वाई? अच्छा ये अच्छा इससे आगे मैं बताता हूँ। प्लेयर्स ने नहीं कहा कि हम अनफिट हैं हमें सेलेक्ट करें, जो पाकिस्तान का जो कोचिंग सारा मैनुअल है सारा वो फ्लॉप है, उन्होंने सेलेक्ट करके उनको वर्ल्ड कप के लिए भेजा। प्लेयर्स ने ये नहीं कहा कि मैं T20 फॉर्मेट का प्लेयर हूँ मैं मुझे वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाएं, ये पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट मैं रव भाव से अग्री नहीं करता, बहुत रिस्पेक्टफुली आई थिंक इट्स ये दोनों तरफ की बात है, ये एक तरफ की बात नहीं हो सकती। खिलाड़ी नहीं, उनका कहने का मतलब सहर भाई ये है कि सिलेक्शन जो है वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं हो रही। वो तो वी एग्री ना, वो तो ये नहीं कह रहे कि तनख्वाह क्यों दी जा रही है, गलती किसकी है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है वो गलतियां कर रही है ना, ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। देखें कि अनफिट प्लेयर्स हैं। आपने एक नुक्ता रखा हुआ कि भाई ये फिटनेस टेस्ट का ये लेवल है, ये आप पास करेंगे तो आप पाकिस्तान टीम में आएंगे। ये 6 प्लेयर तो आपके अनफिट हैं, वो फील्डिंग करने के काबिल नहीं है, उनको सेलेक्ट किसने किया? देखे ना, इसी मैनेजमेंट ने किया ना। फिर उसके बाद आपका एक पूरा सेटअप होता है। मिकी आर्थर को देखे अपॉइंट किसने किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने किया। वो डर्बीशायर में बैठ के इंग्लैंड से कोचिंग कर रहा था ऑनलाइन, तो उसको कौन एडवांटेज दे रहा था? फिर जो उसके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, इन्होंने किया कि अगर वो साल से पहले छोड़ता तो उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ना आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना उसको उगल सकते हैं आप। एक ब्रेक लेते हैं, ये प्रॉब्लम असल में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। All right, जी, once again, welcome back and great news for Salim Malik साहब. Salim Malik साहब, आप खुद शेयर कीजिए इससे पहले कि मैं बताऊं. You need to tell this. जो न्यूज आ रही है सर, आप बताइए ना सर, ये क्या सिलसिला क्या है? बिकॉज इस पर मुझे पूरा इंटरव्यू करना है, लेकिन सबसे आज आप बता दीजिए इस वक्त क्या सिलसिला है? नहीं देखिए, मुझे ना हमारे चेयरमैन है वेटरन के फुआद खान साहब, ओके, उनकी कॉल आई कि यार आपने वेटरन खेलने जाना है वहाँ
चेन्नई में, तो आप अवेलेबल हो? मैंने कहा जी मैं तो पिछले 23 साल से अवेलेबल हूँ, आप देख लें। तो उन्होंने कहा अच्छा हम ICC को लिख रहे हैं, अगर कोई कुछ हुआ तो आपको बताते हैं। उन्होंने ICC को लिखा, जो मैं पिछले 23 साल से कह रहा था कि मुझे तो ICC ने कभी कोई बैन किया ही नहीं, ना कभी कभी लेटर आया। मैं हमेशा इनको कहता था मुझे लेटर। आप ये 23 साल से कह रहे थे? मैं 23 साल से कह रहा हूँ, इनको कहता रहा। इन्होंने कभी मुझे हमेशा कहते थे कि वो चेयरमैन को ये कुछ डराते थे, हर दफ़ा तो नया चेयरमैन आता था तो ये हर दफ़ा उसको पता नहीं क्या स्टोरियाँ सुनाते थे। तो आज जब उन्होंने इजाज़ साहब ने लिखा उनको, फवाद भाई ने उधर, तो उनका जवाब आ गया कि हमें इतराज़ था ही नहीं कभी, तो ये तो आपके क्रिकेट बोर्ड ने किया हुआ है। क्रिकेट बोर्ड भी मेरा ख्याल उसमें कुछ लोग थे जो इसको करते रहे। आप देखें, मुझे जब मुझे बैन किया गया था, इन्होंने किया था, क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया था। क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा था कि क्यों ना ये पाबंदियाँ लगा दी हैं। बस ये सुप्रीम कोर्ट ने, जब मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस किया था तो उस वक्त उन्होंने सेटिसफाइड किया हर चीज़, और नीचे रिमांड किया, चूँकि मेरी प्रे ये थी कि नीचे सुना नहीं जा रहा, शायद वहीं ख़त्म हो जाता कि ये चीज़ें फाइन जो है वो हम सेटिसफाइड करते हैं, और ये किस किस्म का बैन है, क्योंकि हमें तो कहीं बैन नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्यों किया गया है? तो डायरेक्शन दी उन्होंने सिविल कोर्ट को कि इसको 1 माह के अंदर ख़त्म करें। फिर वो केस ख़त्म हो गया, मेरे हक में हो गया। उसके बाद फिर ये कि आटा गूंदे हिलने क्यों हैं, मतलब जब भी कोई बात हो वो यही कहें जी ऐसे है। मैंने फिर अल्लाह, मैंने कहा जी मैंने कौन सी क्रिकेट खेलनी है, अब जो अल्लाह ने कोई थोड़ा बहुत दिया हुआ था, पाकिस्तान को सर्व किया था, हम भी चाहते थे कि बच्चों को कुछ सर्व करें, मगर मैंने कहा अगर ये नहीं चाहते तो फिर अल्लाह हाफिज़। हम चुप करके अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर ये अभी थोड़ा सा शुक्र है वो फवाद भाई को था कि नहीं यार मैं बैडमिंटन खेलूँ, तो अब सबको पता चल गया कि ICC ने भी लिख लिया कि कोई हमारी तरफ से तो कोई रुकावट है ही नहीं। अब ये सैड स्टोरी है, इस पर मूवी बनाएंगे। What I'm going to do is this Friday, ये जो कमिंग फ्राइडे है, जिस दिन पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन ठीक 10 बजे आप लोग ट्यून कीजिएगा, सुबह 10 बजे, और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिस पे हम काम करेंगे, और सलीम मलिक का वर्जन जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। अब तक सलीम भाई ने कुछ नहीं कहा, चीज़ें होती रहीं आगे पीछे, वो वर्जन लेके आएंगे हम सामने। लेट्स सी व्हाट यू गाइस फील। मुझे लगता है कि हमने हमें नहीं करना चाहिए था जो हमने किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे you know, you decide as humans, as people of Pakistan who love cricket and the cricket legends, you decide what's right to what's wrong. बाकी फैसला आपके हाथ में होगा। इस फ्राइडे को ठीक 10 बजे सुबह we are going to be live here right in the studios. अभी एक अजीब सी, मैं बड़े तजब्जुब का शिकार हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, बिकॉज मेरे साथ लोग बैठे हैं, और रऊफ का जो टॉप 5 बॉलर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, उसमें रऊफ का भी नाम आता है, लेकिन जो मैचेस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे खान साहब ने 1200 कुछ मैचेस खेले हैं, वसीम भाई ने भी कुछ इसी तरह के खेले हैं, वकार ने भी शायद 900 कुछ वसीम भाई ने खेले हैं, और वकार ने कुछ इसी तरह से 800 कुछ खेले हैं, 600 कुछ खेले, मुझे याद नहीं है फिगर। इन्होंने 150 मैचेस खेले और 695 इनकी फर्स्ट क्लास टिकट्स हैं। 60 मरतबा इस शख्स को कैंप में बुलाया गया। चलिए, जो कुछ होना था वो हो गया। अब हेयर इज माई क्वेश्चन, डू यू थिंक दीज गाइज कैन कोच, दीज गाइज कैन रन अ टीम? अगर हम अपने लोगों को अब भी नहीं पहचानेंगे तो फिर इट्स गोइंग टू बी रियली लेट। तो इनसे उसके अगले वीक हम बात करेंगे, और आपके सामने मैं इनका वर्जन भी लेके आऊँगा। दीज आर टू स्टोरीज टू टेल। ये दो स्टोरीज ऐसी हैं जो क्रिकेट जो भी देख रहा है उसको समझ में भी आएंगी, और याद रखिए पाकिस्तान में क्रिकेट से प्यार करने वाले पूरी नेशन ही है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? खैर भाई, मेरा नाम खुर्रम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सलीम सर कैसे हैं? आप बात कीजिए, सलीम भाई से बात कीजिए, रऊफ भाई से बात कीजिए, बात कीजिए जी। सर सलीम भाई जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? रऊफ भाई, सलीम भाई, बचपन से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, मतलब आपने पाकिस्तान को इतना इज्जत दी है और पाकिस्तान के लिए इतना खेला है,
तो अब जैसे हमारी टीम की परफॉर्मेंस है आप देख रहे हैं, तो इसमें जैसे हमारा दिल दुखता है आपका भी दिल दुखता होगा जब पाकिस्तान इस तरह से हारता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि क्या हम जमान खान को लेके गए हैं तो उसको हम जो है वो हारिस राउत की जगह नहीं खिला सकते? देखिए खिला सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होना चाहिए। जिस तरह आपने बात की है कि आपका दिल दुखता है तो डेफिनेट उससे ज़्यादा हमारा दिल भी दुखता है, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को सर्व किया है, हमने एक पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दी है, 30-30 साल अपनी उम्र के दिए हैं इसको, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टार के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जब भी पाकिस्तान हारता और इस तरह मेगा इवेंट में और वो भी इंडिया जाकर जब पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव मैच पाकिस्तान हार जाता तो बहुत ज़्यादा दुखी होता। मगर इसमें बात यह है कि हमारा इसमें हमारे अपने भी लोगों का कसूर है कि जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके भेजी है, रॉन्ग सिलेक्शन है, फिर उसके बाद जो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको पता है कि इंडिया में स्पिनर्स मैच जितवाते हैं, हमारे दोनों स्पिनर्स आउट ऑफ फॉर्म है और उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। फिर जिस तरह आपने फास्ट बॉलर्स की बात की है, वो ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेलते हैं और उनको इस फॉर्मेट के लिए सेलेक्ट किया जिसके वो बॉलर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, मगर हमें अभी भी टाइम है कि हम सबक सीख सकते हैं और आगे जाकर पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं, सबक सीख सकते हैं। हाँ जी, मैं वो चौधरी भाई लतीफ़ा याद आ गया, बारी नहीं आनी, बट चले सबक सीख सकते हैं। आप जी समझो, और हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको हम मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से बैट देने जा रहे हैं, साइंड बाय दीज टू, वो डेफिनेटली हम आपको देने जा रहे हैं। सर कल का मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज नेदरलैंड, योर प्रेडिक्शन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर, योर प्रेडिक्शन? ऑस्ट्रेलिया सर। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यस आई फील लाइक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पता नहीं कुछ मेरा दिल कह रहा है कि नेदरलैंड्स इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। आपका एक तो दिल जो है ना सर, मैं क्या करूं, पागल है दिल मतलब यू नो, मैं आपको बता रहा हूं दैट्स हाउ इट इज, नेदरलैंड्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी अगर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बहरहाल आज की जो फतेह है उसने सील कर दिया है साउथ अफ्रीका और इंडिया को, आई थिंक दीज आर द टू बेस्ट टीम्स और ये तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, अगर कोई बहुत चीज अपसेट नहीं हो जाए। लेकिन एक चीज याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का कमबैक हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है। यू आर सेइंग दैट एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट ऑस्ट्रेलिया इज ऑन इट्स वे और वो कमबैक कर रही है और बेहतर करेगी। बस मेरा सिर्फ ये है कि इन सारी टीमों के दरमियान में पाकिस्तान को जगह बनानी है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को जगह बनाने के लिए अगले जो चारों मैचेस हैं वो जीतने हैं और बड़े मार्जिन से जीतने हैं। पाकिस्तान इज प्लेइंग साउथ अफ्रीका ऑन द 27th, 27 तारीख को पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा और उसके बाद देखते हैं व्हाट्स गोना हैपन। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम दिलो जान से खेलें तो आई थिंक कोई वजह नहीं है कि हम ये चारों मैच ना जीत सकें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने साउथ अफ्रीका को हराया नहीं, हमने ज़रूर हराया है, लेकिन वो जाहिर है उस वक्त की बातें। अगर आप नेदरलैंड्स के कप्तान होते तो कल के मैच के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती आपकी सर? आपकी देखें, ऑस्ट्रेलिया भी ये कोशिश करेगा क्योंकि जितनी भी वीक टीम्स हैं उनको अगर आप बड़ा टोटल नहीं देते बाद में बड़ा तंग होते हैं। हाँ। अब जितने भी हमने जितने भी मैचेस देखे हैं तो वो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया भी बारी लेगा पहले, ठीक है। अब डिपेंड करता है मैच कहाँ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, लेकिन अंडरलाइन एक चीज़ तो फार श्योर है कि जितनी भी टीमों के पास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है, तेज बॉलर्स हैं, उनको सेकंड ही बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल है बैट्समैन। अगर ऑस्ट्रेलिया कल मैच जीत जाता है तो वो अपने रैंक में इंप्रूवमेंट लेके आएगा, वो बिल्कुल अपने मैच में रैंक में इंप्रूवमेंट लेके आएगा एंड दैट्स रियली गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का मैच डू एंड डाई सिचुएशन है, अगर हमने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया तो आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट गेटिंग टू बहुत लिमिटाइज हो जाएंगे। नहीं, लिमिटाइज नहीं हो जाएंगे, वर आउट, वर आउट जी, बिल्कुल बिल्कुल वर आउट, बिकॉज आप 3 गेम्स ऑलरेडी हार चुके हैं और अगर चौथा भी आपने हार दिया तो 5-5 गेम्स तो बाकी सारी टीम्स भी जीत ही रही है ना, तो और आपका रन रेट भी ऐसा नहीं है अगर पी लुक एट इट, बिकॉज मैंने कहा ना कि एंड के अंदर तो आपके रन रेट पे आ जाएगी, पाकिस्तान का जो रन रेट है इज नेगेटिव 0.40। मैं आपको हमेशा कहता हूं सर भाई कि जीत के तरफ जाना चाहिए, रन रेट आई नो लेकिन सर क्या करें, आपकी बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं, अब उस पोजीशन में आ गए हैं कि अब रन रेट सर दुआएं और रन रेट अब यही रह गया, बिकॉज अगर आप अगले चारों मैच जीत जाते हैं तब भी आप रन रेट पे आके फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि रन रेट आपको मतलब ऑस्ट्रेलिया का भी रन रेट आपसे बेहतर है अगर ये कल मैच जीते तो मेरे ख्याल पहली 3 टीमों का तो इतना शायद नहीं होएगा, जो नंबर 4 पे होएगी उसमें एक चीज है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ना बैटिंग उनकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, बट यू नेवर नो ना, यू नेवर नो, थोड़ा सा है कि शायद हमें चांस मिल जाए कहीं, अल्लाह करे। अच्छा, नंबर 4 पोजीशन के लिए 6 टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। यप,
yep. अफगानिस्तान को भी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल किसी को. नो राइट नाउ यू कैन नॉट राइट देम ऑफ. बांग्लादेश के कोई टीम, आई थिंक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, देयर आउट. आई डोंट थिंक ये लोग बना पाएंगे, लेकिन मुकाबला जो होगा वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में होगा. ये तीन टीम्स जो होंगी. इंग्लैंड, आपका क्या ख्याल है? I think England is out. पांच मैचेस बाकी हैं. England is all done. I don't think England is going to make it. अच्छा सर भाई, मुझे नहीं लगता कि England, आप कह रहे हैं, मगर England एक ऐसी टीम है, एक मैच चाहिए उनको ट्रैक पे आने के लिए. एक जीत उनकी अगर किसी मैच में, अगर नेक्स्ट मैच अगर वो जीते हैं ना, तो वो ऐसी टीम है, वो वापस आ सकती है. अच्छा मुझे बताएं, अफगानिस्तान का इंडिया से मैच रहता है? I don't remember, but बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so very much. हमें याद नहीं है बिल्कुल. Thank you so very much. आप कल सुबह हमें देख सकते हैं दोबारा 1 बजे, and हम आपकी कॉल्स भी लेंगे. Like I said, हर कॉलर जो हमें कॉल करेगा उसको मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से हम बैट देने जा रहे हैं, साइन बाई दीज टू. कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़. एंड बाय द वे, मॉर्निंग शो देखना मत भूलिएगा सुबह 9 बजे. तब तक के लिए सो लॉन्ग.